अधिकारी मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक काफी लंबे अंतराल के बाद इस प्रकार से आप सबका मिलना हो रहा है। दो वर्ष तो कोविड के कारण नहीं हो पाया, तो मैं सुनील जी से पूछ रहा था कि मैं तीन साल क्या वजह रही, आखिरकार आप 5 वर्षों के बाद मिल रहे हैं। तो वजह बेवजह रही, यानी कि कोई बहुत विशेष कारण नहीं था, लेकिन आयोजन नहीं कर पाए। हम सब लोग काम करते हैं और काम करते करते भी हमारा मिलना जुलना होता रहता है, आप लोगों का जैसे सब लोगों का होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ निर्धारित आयोजन ऐसे होने चाहिए जो होने ही चाहिए, जहां सब लोगों का गेट टुगेदर हो, इंटरेक्शन हो, मिलना हो। कुछ बातें हैं जब आप ट्रेनिंग के दौरान करते ये ट्रेनिंग करते थे उस वक्त की साझा हो जाएंगे। कुछ लोग शायद कॉलेज में भी इकट्ठा पड़े हैं तो कॉलेज की बातें याद आ जाएंगी। तो सारी रूटीन से हट करके ऐसे अवसर जिंदगी में मुझे लगता है कि अपने रखने चाहिए। इसलिए मेरा पहला सुझाव तो यही है कि अब 5 साल के बाद नहीं, हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए आप लोगों को। ये मेरा एक सुझाव है और जो भी आपके प्रधान हैं, आपकी बॉडी है, वो इस सारे आयोजन को करें, ऐसी मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबको सबसे पहले तो बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जीवन का एक ऐसा सफर चुना, एक ऐसा मुकाम जिसमें आपको हासिल हुआ, जहां आपको अधिकारी के रूप में, अफसर के रूप में, जहां आपके साथ नाम के साथ साहब लगता है, SDM साहब। जिंदगी में जो पोस्टिंग होते हैं, DC बन गए तो DC साहब हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें सब लोगों को नहीं मिल पाती है। स्वाभाविक रूप से आप सब मेहनत करने के पश्चात, परिश्रम करने के बाद ये सब हासिल कर पाते हैं। और ये भी बात सत्य है कि अफसर बनने की इच्छा बहुत लोगों को होती है, लेकिन सभी नहीं बन पाते हैं। जो थोड़े बन पाते हैं उनके लिए सौभाग्य की बात भी है। ऑफिसर बनने के पश्चात महत्वपूर्ण यह है कि हमारा हमको अपने योगदान के लिए, बेहतर योगदान देने के लिए, बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हम क्या कर सकते हैं जीवन में, उसको मुझे लगता है कि उसके लिए हमको सोचना चाहिए और उसके लिए हमको काम करना भी चाहिए। और आज की इस दुनिया में बहुत सारी चीजें अब हट करके भी हो गई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया। मैं यहां देख रहा था कि अधिकारियों की संख्या आपकी जो है, कुल संख्या आपकी 228 है, ड्यूटी पर जो पोस्टेड है 164 है, डेपुटेशन पर जो रिजर्व है वो 48 है। तो फिर मैं ये देख रहा था, मैंने कहा कितने लोग आते हैं आपके यहाँ, तो मालूम पड़ा कि आधे आते हैं, आधे आने की इजाजत नहीं होती है। ऐसा है क्या कि स्टेशन नहीं छोड़ सकते हैं? SDM को लेकर के इस प्रकार से रहता होगा। तो मैं सुझाव दे रहा था, मैं कहा तो उनको वर्चुअली कनेक्ट कर देते, लेकिन आने वाले समय के लिए मेरा एक सुझाव आपको और रहा है कि अगर उनको आने की अगर यहां पर गुंजाइश नहीं निकल पाती, अगर आपने एक सेट फॉर्मूला, एक जो इस तरह की व्यवस्था, वो भी जरूरी है, क्योंकि सारे लोग स्टेशन छोड़ जाएंगे, कहीं घटना दुर्घटना घटित होती है उस इमरजेंसी में अधिकारी का प्रेजेंट होना बहुत आवश्यक भी होता है।
लेकिन जब इस प्रकार का इवेंट हो जहां वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, उनकी उपस्थिति नहीं हो सकती है, तो वर्चुअली जोड़ सकते हैं, वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं, उस प्रावधान को जोड़ा जा सकता है ताकि कम से कम वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। वो अपने आप को, क्योंकि तब तो आप कभी भी जिंदगी में इस प्रकार से सब इकट्ठा हो ही नहीं सकते हैं, तो मैं रास्ता बता रहा हूं आपको कभी कि आप किस प्रकार से कनेक्टेड रहें और मिल करके सारी चीजों को साझा कर सके। एक सुझाव है मेरा, अगर उचित लगे तो आने वाले समय में विचार करना। अधिकारी होने के नाते स्वाभाविक रूप से समाज में एक आपको पहचान मिलती है और उस पहचान के साथ साथ में आपको एक काम करने का जो है वो एक व्यवस्था के अनुरूप, व्यवस्था के अनुसार एक अवसर भी मिलता है। और जीवन में आप सबको जब आप काम करते हैं तो उसमें काम करते हुए एक अवसर की पहचान के साथ साथ में समाज के बीच में आप अपने काम की पहचान हो, जिसको लोग याद करें कि वो अधिकारी था, उनके वक्त में ये काम हुआ। ऐसी कोई ना कोई चीज मुझे लगता है कि सब लोग आप करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज के लिए आपका, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो पोस्टिंग्स आपकी होती है एसडीएम की होती है, एसडीएम के बाद आगे बढ़कर के जब डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं सीनियर होने के बाद तो डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग होती है, डिप्टी कमिश्नर लगते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आपको होती है अपने काम की वजह से पहचान बनाना। और उसमें कुछ लोगों ने जीवन में, मैंने देखा कि अपने जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी करके रखी है जिनको वो नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बना करके चलते कि ये मुझे करना है, कुछ का ये है कि मुझे पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा करना है, मुझे प्लांटेशन की दृष्टि से अच्छा करना है, मुझे ब्लड डोनेशन के इसमें पार्टिसिपेट करना है, मुझे कुछ मतलब समाज के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है, या उसके साथ साथ में और भी चीजों को लेकर के डेवलपमेंट के सारे बहुत सारी चीजों को विचार करते हुए कुछ ऐसी भी चीज हम सोच सकते हैं जो हट करके हो, जो आपकी पहचान बनाए, जिसमें आपको काम करते हुए लोग याद रखें। तो ऐसी चीजों को भी मुझे लगता है कि आप सबको जो है सोचना चाहिए और करना, सोचना ही नहीं चाहिए, करना चाहिए, ये क्योंकि आपके जीवन में अवसर है इस प्रकार का मिला है। और आपके लिए अच्छी बात है कि आपको एक बार परीक्षा पास होने के बाद 60 साल की उम्र तक काम करने का मौका मिलता है, हमारे यहां नहीं है ऐसा। और एक बात जरूर है कि अफसर बनने की बहुत सारे नेताओं से हमारे कई बार गपशप होती रहती है, बातचीत होती रहती है, तो हम पूछते हैं कि आप कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त क्या सोचते थे, क्या बनना है। बहुत सारे ऐसे बोलते कि अफसर बनना चाहते थे, कुछ बोलते कि अफसर बनना चाहते थे लेकिन बस नहीं बनना, ऐसा कोई हमारा लक्ष्य नहीं था, लेकिन माँ बाप हमारे घर वाले जो है हमको अफसर बनाना चाहते थे। अफसर का मतलब ये सिविल सर्विसेज में काम करने वाला इस तरह की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि माँ बाप को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारा बेटा अफसर है। तो बहुत सारे लोग जो है वो अफसर नहीं बन पाए लेकिन नेता बन गए, लेकिन मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं था, मैंने अफसर बनने की कभी सोची नहीं थी और ना ही नेता बनने की सोची थी। और मैं कई बार अपने कॉलेज के कैंपस में जाता हूँ, अपने बहुत सारे साथियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं जहाँ, तो सही मायने में सब कह रहा हूँ कि भाई कॉलेज के जमाने की उस वक्त की बातें याद आती हैं। मैं कॉलेज के टाइम में आर्टिस्ट था, अच्छा आर्टिस्ट था, गाने वाला नहीं था लेकिन वन एक्ट प्ले का मैं अच्छा आर्टिस्ट था,
और हम बहुत सारे डिबेट डेक्लेमेशन में जो हमारा पार्टिसिपेशन खूब होता था, लेकिन मैं एक घटना ये हो गई कि जिसके कारण मुझे चुनाव किसी और ने लड़ना था, मुझे लड़ना पड़ गया। मैं कवरिंग कैंडिडेट था एक जगह, पहला चुनाव मेरे जीवन का कॉलेज का। तो जीवन में कई बार ऐसी चीज, मैं कभी नेता को पसंद ही नहीं करता था, लेकिन आज मैं उनमें से ही एक हूँ जिनको मैं सख्त जिनको पसंद नहीं करता था। तो इसलिए जीवन में कई बार इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं। मैं जब पीयूसी, हमारे जमाने में पीयूसी होती थी, पीयूसी करने के बाद जब कॉलेज में बीए वन में आया तो देर से मेरी एडमिशन थी, और एडमिशन के बाद में जब कॉलेज में अपने साथियों के साथ वहाँ पर था तो कॉलेज की इलेक्शन लगे थे। मेरा एक मित्र था, उसने कहा कि भाई मुझे कैंडिडेट खड़ा किया जा रहा है सब्जेक्ट सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी के लिए इंग्लिश के, तो मैं नॉमिनेशन भर रहा हूँ। तो नॉमिनेशन भरा, हमने कहा ठीक है भरिया, भरा उन्होंने नॉमिनेशन। फिर बाद में ऐसा कहा कि भाई उसमें एक जो फार्म था नॉमिनेशन का, तो कवरिंग कैंडिडेट के लिए भी उसमें वो रखते थे कि भाई कवरिंग कैंडिडेट भी साथ में डालने के लिए। तो कहा मुझे कि यहाँ आप अपना वो डाल रखिए कवरिंग कैंडिडेट के नाते। हमारे 5-7 लोग बैठे थे हम लोग, तो मैंने भी वहाँ नाम भरा, उन्होंने मुझसे साइन कराया, मेरा रोल नंबर वगैरह पूछा, तो उन्होंने रोल नंबर दे दिया। अब अपने को क्या मालूम था कि ऐसा भी होता है। और फिर उसके बाद नॉमिनेशन हो गया, जब सूची वहां पर लगी कि जो असली कैंडिडेट था उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। नॉमिनेशन रिजेक्ट होने की वजह ये होती थी कि जब उस वक्त क्या होता था कॉलेज के इलेक्शन में कि अगर एक क्लास में 2 सालें लगती थी, 2 सालें लग जाए तो उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट होता था। तो मेरा वो साथी ऐसा था, तो मैं कैंडिडेट हो गया। तो मैंने कहा मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो आप लोग ने ऐसे ही करा है। बोलते नहीं नहीं अब तो लड़ना पड़ेगा, अब तो दूसरा तो कैंडिडेट है नहीं हमारे पास, अब तो आपको ही करना पड़ेगा। और फिर चुनाव लड़ा, वोट मांगने के लिए निकले, पहली बार वोट मांगने के लिए निकले, वोट मांगे, और हमारे 4 कैंडिडेट थे उसमें, 4 कैंडिडेट के बराबर, 4 कैंडिडेट में से दो कैंडिडेट तो बहुत पीछे रह गए, 2 कैंडिडेट हमारे बराबर हो गए। मेरा वोट, मेरा और मेरा जो एक दूसरे नाम का था साथी, हमारे बराबर हो गए। बराबर हो गए तो बहुत झगड़ा हो गया, आपको मालूम है कॉलेज का इलेक्शन कैसे होता, तोड़फोड़ होती है, तो नारे लगे, ये हुआ वो हुआ सारा। अब बराबर होने में क्या था, उसमें रूल कॉलेज में ऐसे थे कि जब बराबर हो जाए, या तो टॉस करने का प्रोविजन है उसमें, अगर टॉस नहीं होगा तो क्या होगा कि जो उम्र में बड़ा है उसको डिक्लेयर करते थे। जो दूसरा कैंडिडेट था वो मेरे से 2 साल बड़ा था, तो मेरी मेहनत पर तो पानी फिर रहा था। तो हमने रिकाउंट मांगा, तो रिकाउंट मांगते मांगते एक स्थिति ऐसी बनी कि एक वोट ऐसा निकला जिसमें नाम दूसरे का था, रोल नंबर मेरा था। क्या होता था उस वक्त, बोर्ड पे जो प्रोफेसर जो है वो कैंडिडेट के नाम लिखते थे, उसके साथ में उनका रोल नंबर लिखते थे, और जिस आदमी ने जो वोट देना होता था वो या तो नाम, कई बार दोनों के लिए लिखने के लिए बोलते थे, लेकिन वो जो मेरा जो दूसरा जो कैंडिडेट था मेरे साथ में, उसका नाम भी मेरे जैसे थोड़ा नजदीक था। मेरा नाम जयराम था, उसका नाम जय कुमार था, अंतर ये था सिर्फ। तो मैंने कहा कि जिसने रोल नंबर लिखा है वो ज्यादा पर्टिकुलर है, ये वोट मेरा है, और दूसरा बोले कि जिसने नाम लिखा है मेरा वो, ये वोट मेरा है। तो काफी झगड़ा हुआ, अल्टीमेटली बिना निष्कर्ष के हम वहां से निकले, झगड़ा काफी हो गया, और फिर इस तरह से आगे ये हुआ। लेकिन अल्टीमेटली वो वोट जो है वो रिजेक्ट हुआ, और एक रिजेक्ट हुआ, और वोट रिजेक्ट होने के बाद फिर हम जो है वो ये हुए। तो इस तरह की एक शुरुआत हुई,
तो आगे बढ़कर के चीजें, आगे बहुत लंबी कहानी है, छोड़ो उसको। लेकिन मेरे कहने का मतलब, कई बार आदमी जीवन में तय कुछ करता है लेकिन डेस्टिनी उनको कहीं और जगह ले जाती है। भाग्य का एक रोल है, इस बात को भी मानना है। लेकिन मैंने एक चीज देखी उसमें कि आप परिश्रम करते हैं, जहां भी अगर मुझे, मैं नहीं बनना चाहता था लेकिन बन गया, तो और अच्छा कैसे कर सकता हूं, उसके लिए मेहनत करना, परिश्रम करना, उसके लिए सैक्रिफाइस करना, स्ट्रगल करना, और जुनून के साथ काम करना, जोश के साथ काम करना, ये आपको लगातार आपको अपनी मंजिल की तरफ, आगे की तरफ लेकर के जाती है। और निश्चित रूप से आप एक मुकाम को हासिल करते हैं, एक लक्ष्य को हासिल करते हैं, एक मंजिल को हासिल करते हैं। ये आपके जीवन में मुझे लगता है कि इस तरह का होना चाहिए। आप में से तो शायद मतलब सभी ऑफिसर बनना, तो आप तो चॉइस के मुताबिक बने, हम अपनी चॉइस के मुताबिक नहीं बने। मतलब चॉइस के मुताबिक यानी कि रुचि का विषय नहीं था। तो इस प्रकार की परिस्थिति का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आप तो चॉइस के मुताबिक बने, तो इसलिए परिश्रम और ज्यादा करना। हम चॉइस के बिना बने हैं, अपनी चॉइस के विपरीत भी बने हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने कहा कि अगर यही है तो मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जहां इस तरह से आगे बढ़ करके पहुंच सकते हैं। और जीवन में आप कल्पना करिए, अंततः मेरे को जहां जिस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ना था, तो वहां उसमें जमानत मुझसे पहले मेरे पार्टी की कहीं नहीं बची थी। तो ऐसे में आज उसी विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक हूं। ये सारी चीजों का जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने वक्त में अपनी कुछ यादें आ रही, तो मैं कह रहा हूं आपसे साझा कर लूं मैं आप सबसे। आपके भी जीवन की बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जिनको साझा आप भी कर सकते हैं। मैं कम बोलता हूं उन विषयों को जिस पर मैं बोल रहा हूं आज, इसलिए बोल रहा हूं कि परिश्रम की पराकाष्ठा अगर आप जीवन में करेंगे, मंजिल कितने भी कठिन हो, जटिल हो, हासिल किया जा सकता है, ये भी कह सकता हूं। इसलिए मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। पर जीवन में कुछ चीजों को हट करके करने का जो आपका ये, वो मेरा आप सबसे विशेष तौर से, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय तक सेवा करनी है, काम करना है, और उसमें जो है बेहतर ढंग से आप काम करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ऐसे में आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और ये बात सच कही जो यहां कहा जा रहा था। मैं पिछली बार जब हम वहां इंटरेक्शन के लिए वहां हिप्पा गए थे, तो वहां बात हुई थी, मैंने कहा था ये कि देखिए, हम लोगों को, आप लोगों को समाज बहुत बारीकी से देखता है। हमारी तो दो आंखें होती हैं, लेकिन इस सैकड़ों हजारों आंखें आपको देख रही होती हैं। आप कैसे व्यवहार करते हैं, ऐसे कैसे काम करते हैं, और उसके बाद उस सारी चीजों के चलते चलते आदमी के बारे में परसेप्शन बनता है मेरा। इसलिए मैंने इस बात को कहा था, परसेप्शन अच्छा बने, तो ये मुझे लगता है आप सबके लिए बहुत आवश्यक है, उसके लिए आप सब काम करें। और जो काम की बात है, हमको बहुत सारे अधिकारियों के साथ सुबह से शाम तक पाला पड़ता है, तो अधिकारियों के साथ बात करते हुए जो चीजें हमको भी सीखने को मिलती है, हमको भी मालूम पड़ जाता है, इसको एक बार बोलना पड़ेगा काम हो जाएगा, कुछ को दो बार बोलना पड़ेगा तो काम होगा, कुछ को बार बार बोलना पड़ेगा तो काम होगा। तो ये चीजें जो है वो कोशिश है, उन्हें जो डूएबल है, जो करने के लायक है, जो चीज जेन्युइन है, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ चीजों को लेकर के जब अधिकारी हमारे सामने बात कहते हैं कि हमें तो बोला जाता है कि आप नेता हैं, आपको अधिकारियों की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, मैं समझता हूं कि वो गलत है। अधिकारियों की बात सुननी चाहिए, और सुननी ही नहीं चाहिए, समझनी भी चाहिए। और जो ठीक फीडबैक अगर कोई अधिकारी दे रहा है, तो उस पर अमल भी करना चाहिए।
लेकिन अगर घुमा रहा है कोई तो उस पर जो है वो सुनना चाहिए, वो मानना नहीं चाहिए। फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनने की होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फिर सुनने के बाद माननी होती हैं, कुछ बातें सिर्फ सुननी होती हैं। तो ऐसा वो मालूम पड़ जाता है कि घूम रहा है मामला इधर। तो इस तरह से चीजों को, क्योंकि मैं, क्योंकि स्किल तो आप लोगों में है ही है, चीजों को सीधा करना ये भी है, चीजों को घुमाना वो भी है, तमाम तरह की चीजें आदमी में होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए आपकी स्किल पर किसी को शक नहीं है, तो इसलिए आप बेहतर ढंग से करें, अच्छा करें, जो होने का है वो करें, ये समझ करके कि ये हमारा दायित्व तो है समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, और ये हमको करना है, करना है तो करना है। ये मुझे बहुत अच्छा, मेरा आप सबके सुझाव है। अब यहाँ ये सुनील जी तो मेरे साथ रहे हैं, हम पैदल चलते थे, बहुत पहाड़ चढ़े पहाड़ उतरे, तो उसके बाद आज फिर मुलाकात हो गई यहाँ पर हमारी इस मंच पर, ये मंच पर इकट्ठा हो गए। तो यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में कई दौर आएंगे जहाँ आपको लगता है कि दबाव है, दबाव किसी तरह का भी हो सकता है, वहां विवेक के साथ निर्णय करना जो सही है वही करना, ये मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, हम चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं तो चुने हुए प्रतिनिधियों की एक फील्ड की अपनी एक अनुभव की दृष्टि से बहुत सारी जानकारियां होती हैं, उन जानकारियों का हम उपयोग करें, उन जानकारियों के माध्यम से हम क्या कर सकते, क्या बेहतर कर सकते हैं, तो उन सारी चीजों को लेकर के उस तरह से भी सोचने की आवश्यकता जहां रहती है। और जो उनके अनुभव के माध्यम से हम समाज के लिए अगर कोई बेहतर चीज दे सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं लंबा भाषण नहीं करूं, उचित रहेगा कि आज की इसमें छोटी सी बात करूं। और मैं देख रहा था कि सुनील जी अपना मेमोरेंडम पढ़ रहे थे, अब मैं अधिकारियों से पूछ रहा था इसमें डूएबल क्या है, क्या कर, क्या किया जा सकता है। तो या तो हमें तो बोलते हैं कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे बोलते हैं मुख्यमंत्री को, सभी बोलते हैं कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी मायने में कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपने बातें कही हैं मैंने पूरी श्रद्धा के साथ वो सुनी है, और मैं पूरा सम्मान दे रहा हूँ सारी बातों को। समाधान की दृष्टि से आगे आने वाले समय में हम मिलते रहेंगे, हम कुछ उसमें रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे। एक बात आपने जो कही है, जो SDM पोस्टेड होते हैं उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी के लिए जरूरत रहती है, और इस बात को हम महसूस भी करते हैं। तो एक जो है पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जो है PSO जो है उनको उपलब्ध होना चाहिए, इसको हम कर देंगे, ये आपकी ये बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि कई दौर में भीड़ में क्राउड में नहीं पहचानता कोई आदमी आपको, और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि मॉब होती है, उस मॉब की सिचुएशन में मुश्किल हो जाती है सारी चीजों को हैंडल करना। तो ये जरूरत आपकी उसको पूरा करेंगे। दूसरी एक और बात कही गई है, जो जहां अकोमोडेशन अभी गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं है SDM के लिए, वहां पर जो है वो रेंटेड अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है वो उसको उपलब्ध कराने का भी इंतजाम करेंगे। ये दो चीजों को मैं स्वीकार करता हूं, ताकि आप सबको कुछ लगे कि हमने जिनको बुलाया था उनने कुछ भी नहीं किया, फिर बाद में बोले कि फालतू का काम किया बुला करके। तो मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं, और बाकी चीजों के लिए जो
आप लोगों ने दिए हैं, जो प्रस्ताव दिया है वो अच्छे प्रस्ताव दिए हैं। आपके प्रस्ताव जो है वो तर्क के साथ है, लॉजिक के साथ है, उनको आने वाले समय में विचार करके जो किया जा सकता है वो करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। कोविड की सिचुएशन एक हमारे लिए एक ऐसा अनुभव था सबके लिए, जहाँ नया काम था, हट करके काम था। आपके अनुभव से जब हमारा इंटरेक्शन होता था अधिकारियों के साथ, तो उस इंटरेक्शन में बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती थी कि हम फील्ड में जा करके क्या अनुभव कर रहे हैं और क्या चीजें कर सकते हैं, और जो चीजें बताई गई उसके माध्यम से हमको काम करने में बहुत बड़ी सुविधा हुई। तो ये जीवन में आप सबके अनुभव की दृष्टि से वो बहुत ये रहेगा। कोविड का दौर जब था तब हम इस भूमिका में थे, बहुत सारे तो एसडीएम थे, दूसरे कुछ अलग अलग फील्ड की दूसरी ड्यूटीज पे थे, ऑफिशियल ड्यूटी पे थे। सबका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। मैं आपके सबके लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप आगे बढ़ो और अच्छा काम करो, यही कहते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।